वेलकम बैक। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने आजादी चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान को किसी एहतजाजी लॉन्ग मार्च की नहीं तरक्की मार्च की जरूरत है। उनका ये भी कहना था कि जो लोग पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे हैं उनको नाकामी होगी। लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के करीब बनने वाले इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आला का कहना था कि पाकिस्तान को खराब करने वाले लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं बल्कि तरक्की मार्च की जरूरत है। पाकिस्तान को तरक्की देने वाला, पाकिस्तान को खुशहाल बनाने वाला और ऐसा लॉन्ग मार्च चाहिए या पाकिस्तान को खराब करने वाला। अवाम इंटरचेंज के मुकम्मल होने के बाद खुश थे। उनका कहना था कि इस सड़क और फ्लाईओवर की तामीर के बाद लोग अपने दफातर और दूसरे काम काज के लिए वक्त पर पहुंच सकेंगे। जो पहले ट्रैफिक में फंस जाते थे और अरबों में सिर्फ फ्यूल के ऊपर हमारे जाया हो जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ट्रैफर सिग्नल फ्री हमारा ये जंक्शन बन गया। मियां साहब से मैं शुक्र गुजार हाँ और खुश आमदी उन्होंने कहनी है कि जो उन्होंने काम कर दिता है 4 साल के पाकिस्तान जो कैद आजम ने बनाया उस तो लाके नहीं को कर सके। आजादी चौक इंटरचेंज 5.3 अरब रुपए की लागत से तामीर किया गया है। रोजाना 2 लाख गाड़ियां बगैर रुके यहां से गुजरेंगी जबकि मेट्रो बस को भी सिग्नल फ्री क्रॉसिंग मिलेगी। आजादी इंटरचेंज के मुकम्मल होने के बाद शहरियों के वक्त की बचत के साथ साथ करोड़ों रुपए ईंधन के खर्च में भी कमी होगी। कैमरामैन आशिक अली के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज़ लाहौर।